आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्लूटो ग्रह के बारे में, जो बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। प्लूटो एक बोना ग्रह है जिसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह बोना ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन यह आकार में बहुत छोटा है। इसकी खोज 18 फरवरी को हुई थी। उसी साल इंग्लैंड की एक 11 साल की लड़की को उस ग्रह का नाम रखने का काम सौंपा गया था। उस लड़की का नाम वेनेशा बनी था, जिन्होंने उस बौने ग्रह का नाम प्लूटो रखा। शुरू में प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा है। आकार में यह अमेरिका का आधा होगा। प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, इस वजह से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह ग्रह धरती की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में पूरी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लूटो पर रहते हैं तो आपको अपने जन्मदिन को मनाने के लिए 248 पृथ्वी वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। प्लूटो का एक दिन धरती के 6.5 दिनों के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज्यादा दूर है। इस बौने उपग्रह के पास 5 चंद्रमा है और इसके सबसे बड़े चंद्रमा का नाम केरन है। केरन प्लूटो के आकार का आधा है। प्लूटो के अन्य चंद्रमा का नाम केरबेरोस, स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा हैं। यह अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। यह इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा वहां जमकर बर्फ बन जाएगी। प्लूटो सूर्य से करीब 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। प्लूटो सिर्फ 2300 किलोमीटर चौड़ा है। प्लूटो का तापमान 0 से करीब 230 डिग्री कम है। आपका प्लूटो पर वजन करीब 2 किलोग्राम होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।